नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कुत्ते भविष्य बतलाते हैं और इसी क्रम में उसने एक भारी तबाही से पहले बतलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को पत्थर मारने से मौका मिले तभी तो वो इस चीज को गौर करेगा। तो दोस्तों मैंने ठीक 5 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बतलाया था कि कुत्ते पालने के क्या क्या 7 फायदे हो सकते हैं। उसी वीडियो के बीच में मैंने ये बतलाया था कि कभी कभी कुत्ते भविष्य भी बतलाते हैं और इस चीज पे बहुत सारे लोगों को विश्वास था और बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था। अगर आप लोगों को विश्वास है तो ऐसी एक घटना नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि और भी लोगों को इस पे विश्वास हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आपको बतलाता हूं एक ऐसी ही घटना जिससे पहले कि कुत्तों ने लोगों को बतलाने की कोशिश की कि भारी तबाही होने वाला है, लेकिन किसी लोगों ने गौर नहीं किया। दोस्तों आपको 2004 की भारी सुनामी के बारे में आपको पता होगा जो कि इंडियन ओशियन में स्टार्ट हुआ था और अपने अंडमान निकोबार आइलैंड पे और श्रीलंका में भारी सुनामी हुई थी जिसमें कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, नेशनल जियोग्राफिक चैनल का है जिसमें बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की उसमें मौत हुई थी। दोस्तों उस तबाही से मात्र 10 दिन पहले वहां के जितने भी कुत्ते थे सारे कुत्तों में एक भयानक सी हलचल मच गई। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सारे में एक बेचैनी सी छा गई थी और जितने भी पालतू कुत्ते थे सारे कुत्तों में यही चीज होने लगा। और उस तबाही से मात्र 2 दिन पहले वहां के जितने भी जंगली कुत्ते थे या फिर जितने भी पालतू कुत्ते थे सारे कुत्तों ने उस जगह को छोड़ करके दूर भाग गया, हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पे जैसे कि पहाड़ी कोई हो वहां पे चला गया था। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं कि इतने ज्यादा लोगों की मौत तो हुई थी लेकिन एक भी कुत्ते की वहां पे मौत नहीं हुई। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों इस चीज पे बहुत सारे लोगों ने गौर तो किया था लेकिन भारी सुनामी होने के बाद उन्होंने ये चीज बतलाया जो कि आप इस नेशनल जियोग्राफिक जो वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि आई विटनेसेस के द्वारा ये सारी बातें बतलाई गई थी। दोस्तों वहां पे जितने भी पालतू कुत्ते थे उन्होंने सारा कोशिश किया कि उस जगह को छोड़ करके भाग जाया जाए, लेकिन जो भी नहीं भाग पाए वो इस तरीके से घर में दुबक गए कि सारे डॉग ऑनर इस चीज से परेशान थे, लेकिन किसी ने इस चीज को गौर नहीं किया। दोस्तों हमारी सरकार है वो करोड़ों अरबों रुपए का सैटेलाइट्स और जमीन में मशीन लगाई हुई है जो कि जमीन के हलचल को और क्लाइमेट के चेंज को गौर करे, लेकिन इतनी बड़ी तबाही हो गई और गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं चला। तो आप सोच सकते हो कि कुत्ते के पास किस तरीके का सेंस होता है जो कि फ्यूचर में होने वाली कुछ सिट डाउन। दोस्तों यहाँ पे डॉग बार्क कर रहे हैं दूसरे ग्रुप के डॉग पे, तो उसके वजह से मैं चौंक गया था। चलिए खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि कुत्ते के पास किस तरीके का सेंस होता है कि वो फ्यूचर में होने वाले कुछ घटनाओं को कैच कर लेता है, जैसे कि कब भूकंप आने वाला है या फिर कुछ मौसम में चेंज हो उस चीज को भी ये गौर कर पाता है। क्योंकि कहा जाता है कि इसके पास 6th सेंस होता है, क्योंकि वो ऐसे चीजों को सुन सकता है जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं और ऐसे चीजों को वो महसूस कर सकता है जो हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जानकारी मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर दो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ एक नया फीलिंग आया होगा। दोस्तों प्लीज आज के बाद किसी भी डॉग्स को मारिए मत, भले आप खाना नहीं दे रहे हैं उसको कोई बात नहीं, आप खाना मत दीजिए लेकिन उसको मारिए भी मत, किसी भी स्ट्रीट डॉग को हो या फिर कोई और जानवर हो या फिर पक्षी हो। दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। हम अपने इस चैनल पे सिर्फ डॉग से ही रिलेटेड बहुत सारी जानकारी की वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप भी एक डॉग लवर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको भी डॉग से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों ये जो नेशनल जियोग्राफिक का वेबसाइट है इसी आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर ले जिसका नाम है डॉग एंड ऑनर, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में 1500 लाइक जरूर मिलेगा और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।